हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट स्टडी चैनल और आज हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स जुलाई के फर्स्ट वीक की। ओके, तो आपको यहाँ पे जो भी लिखवाऊंगा मैं वो अच्छे से उसको नोट्स जो है वो बना लेने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर्स। सबसे पहले मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि एक स्कीम स्टार्ट हुई है, एक योजना स्टार्ट हुई है। नाम क्या है जिसका? नाम है जिसका पावर टैरिफ सब्सिडी योजना। पावर टैरिफ सब्सिडी योजना, इसके नाम से ही आप पहचान गए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। जो भी आपकी बिजली की यूनिट की जो है वो कितने रुपीज़ की जो है उसमें क्या है, उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। वो कितने रुपीज़ सब्सिडी मिलेगी, कितने पैसे सब्सिडी मिलेगी, वो इसके अंडर जो है वो आएगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये पावर टैरिफ सब्सिडी योजना जो है किसके अंडर में आएगी। ये हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है। एक क्या नाम क्या बोला मैंने? हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020, इसके अंडर जो है पावर टैरिफ सब्सिडी योजना स्टार्ट की गई है। जो भी एंटरप्राइजेज हैं सी एंड डी कैटेगरी के जो भी एंटरप्राइजेज हैं उनमें जो है ये लागू होगी। जैसे जो डी कैटेगरी के हैं, अगर वो 40 किलोवाट या इससे कम के हैं, या फिर जो सी कैटेगरी है अगर वो 30 किलोवाट या फिर इससे कम के हैं, तो उनको पर यूनिट जो है वो 37 पैसा जो है वो कम उसको ये चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है जी पावर टैरिफ सब्सिडी योजना। अब ये बिजली की बात चली है तो आपको मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे दो वितरण निगम है। एक तो है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। ओके, इसकी दो जोन है जी। एक तो है पंचकूला और एक है जी इसकी रोहतक। एक क्या है इसकी? रोहतक है। और दूसरा क्या है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। इसके भी दो जो है वो जोन है वो कौन कौन से हैं जी? इसके हिसार है और दूसरा क्या नाम है इसका? दूसरा इसका नाम है जी दिल्ली। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इससे एडिशनल आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कब बनाया गया था? 1997 को क्या बनाया गया था? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कब बनाया गया था? 1997 को। और दूसरा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कब बनाया गया था? 1997 को ये बनाया गया था। उसके बाद आता है एक नई डायरी जो है वो हरियाणा सरकार ने खोली है। वो क्या है? इससे रिलेटेड है कि गधी के दूध की डायरी होगी। ये कहाँ पे खुलेगी? ये खुलेगी जी आपके हिसार में, याद रखना है ये। ठीक है, अश्व अनुसंधान संस्थान में ये खोला जाएगा। अश्व अनुसंधान संस्थान में इसको खोला जाएगा। ओके, आपको बता दूँ अश्व अनुसंधान संस्थान जो हिसार में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि गधी जो है इसकी एक स्पेशल नस्ल है, वो ही इसमें जो है उसी के दूध की डायरी है। नाम क्या है जी उस नस्ल का? हलारी नस्ल की जो गधी है उसके दूध की डायरी हिसार में खोली गई है, अश्व अनुसंधान संस्थान में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है जी केयर गिवर क्या होते हैं? जो केयर करेंगे, किसकी केयर करेंगे? एल्डरली पीपल जो हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको जो है केयर गिवर जो है वो दिए गए हैं, उनकी वो देखभाल जो है वो करेंगे। ये कहाँ पे दिए गए हैं, कहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है? एक तो हुआ जी आपके बल्लभगढ़ में। कहाँ पे हुआ है? बल्लभगढ़ में। और दूसरा कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपके गुड़गांव में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद आता है जी ग्रीन रिटेल एक्सपेंशन स्कीम। ये कब स्टार्ट हुई है? ये स्टार्ट हुई है जी
2 अगस्त 2021 को, 2 अगस्त 2021 को ये स्टार्ट हुई है। हिंदी में अगर मैं बात करता हूँ, हरित रिटेल विस्तार योजना, ये 2 अगस्त 2021 को जो है वो स्टार्ट हुई है। इसमें क्या है, इसमें 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे ताकि युवाओं को व्यापार का जो है वो अवसर मिल सके। इसमें ही एक स्कीम है हर हित स्टोर स्कीम, इसमें ही है एक हर हित स्टोर स्कीम, ये वही स्कीम है जिसमें क्या खोले जाएंगे, 2000 आउटलेट खोले जाएंगे युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने के लिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जी बेबे मानकोर का। बेबे मानकोर कौन है, ये एक धाविका रही हैं। ओके, नारी पुरस्कार भी जो है इनको दिया गया है। इनका निधन हो चुका है जी, इनका निधन हो चुका है। ये 105 वर्ष की थी। ये याद रखना, बेबे मानकोर कौन थी, ये एक क्या थी जी, ये धाविका थी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर ने 29 जुलाई को क्या मनाने की घोषणा की है, नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा, नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में किसको मनाया जाएगा जी, 29 जुलाई को मनाया जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है जी, जैसे जो पुलिस हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, अगर उनकी पुलिस ड्यूटी के टाइम जो है मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वालों को कितने रुपए देने की घोषणा की है, 50 लाख रुपए उनको घर वालों को देने की घोषणा की है। अगर स्थायी विकलांगता आ जाती है, अगर क्या आ जाती है जी, स्थायी विकलांगता, अगर स्थायी विकलांगता आ जाती है तो कितने रुपए मिलेंगे, स्थायी विकलांगता पर कितने रुपए मिलेंगे जी, 40 लाख रुपए उनको देने की घोषणा की गई है। उसके बाद एक महिला अधिकारी आती है जी, रंजीता शर्मा, नाम क्या है जिनका, रंजीता शर्मा। ये कहाँ से हैं, ये हैं जी आपके रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। इनको क्या मिला है, इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। इनको क्या मिला है जी, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। ट्रेनिंग के टाइम इन्होंने जो है 8 में से लगभग 3-4 को ट्रॉफी जीती थी, इसकी वजह से इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। और ये देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, नाम याद रखना है, रंजीता शर्मा। उसके बाद आता है जी महिलाओं की बेरोजगारी के ऊपर, किसकी बेरोजगारी के ऊपर, महिलाओं की बेरोजगारी के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर आता है। महिलाओं की बेरोजगारी पहले कितनी थी जी, 5.1% थी, अब वो कितनी देखी गई है जी सर्वे में, 4.2%। एक तो चीज़ याद रखनी, पहले कितनी थी 5.1, अब कितनी है जी वो 4.2% है ये, ठीक है। अब बात ये आएगी, ये कौन सा सर्वे था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक फोर्स लेबर सर्वे, ये किसने कराया है, ये कराया है जी NSO ने। NSO क्या है, ये NSO है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSO क्या है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये चीज़ें हर एक चीज़ याद रखनी है कि पहले बेरोजगारी कितनी थी जी, 5.1%, अब कितनी रह गई है जी वो 4.2%। ये किसने सर्वे किया है, NSO ने सर्वे किया है, पीरियोडिक फोर्स लेबर सर्वे है ये। NSO की फुल फॉर्म याद आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अभी एक देश है नाम जिसका क्या है, स्वीडन, नाम है जिसका स्वीडन, ठीक है। ये क्या है, ये मेंबर बना है जी किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है जी आपके गुरुग्राम में, गुरुग्राम में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। ओके, तो स्वीडन अब इसका एक मेंबर बन चुका है। टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं जी, 121 कंट्री जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गई है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि MSME के उत्पादों, MSME क्या है ये, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज,
इसके भी जो उत्पाद हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट के लिए, कि वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जा सकें, दो कंपनियों के साथ टाई अप किया है जी। हरियाणा सरकार ने दो कंपनियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ये दो कंपनियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली तो है जी हक दर्शक, हक दर्शक, और दूसरी कौन सी है जी? वालमार्ट वृद्धि, वालमार्ट वृद्धि। ये दो कंपनियां हैं हक दर्शक और वालमार्ट वृद्धि, एमएसएमई के जो उत्पाद रहेंगे उनको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के लिए ये हेल्प करेंगे। ओके चलिए, उसके बाद है जी अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप होनी है, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप होनी है अंडर 20 की। ये कहाँ पे होगी जी? ये होगी केन्या में। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एमडीयू रोहतक, एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है रोहतक में है, वहाँ से 3 प्लेयर का जो है वो सिलेक्शन हुआ है इस वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के लिए। नाम क्या क्या है? एक का नाम है जी सुमित चहल, दूसरे का नाम है जी सुमी, ओके, और तीसरा जो प्लेयर है उसका नाम है जी दीपांशी। ये 3 प्लेयर हैं, इनको वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट किया गया है। कहाँ पे होगी? केन्या में होगी। कब से स्टार्ट है जी? ये 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। एक एक चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद है हरियाणा की एक पहली ऐसी मिल बन गई है, जो शुगर मिल है ना, ऐसी पहली शुगर मिल है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? इथेनॉल। जो क्या प्रोड्यूस करेगी? इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी। ये कौन सी मिल है? ये मिल है जी शाहबाद मिल। शाहबाद कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा सरकार ने एक नया विभाग बनाया है, नया विभाग बनाया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी मानव संसाधन विभाग, मानव संसाधन विभाग। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये नया विभाग जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से बनाया गया है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो थी वो बढ़ा दी है हरियाणा सरकार ने, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है। जो पहले कितनी थी? 1.5 लाख की, 1.5 लाख की, अब उसको दोगुना कर दिया है, 3 लाख उसको कर दिया गया है। उसके बाद है हरियाणा सरकार द्वारा एक नया बैंक बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा जी भूमि बैंक। ये जो भूमि बेचते हैं, जो भी अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंडर एक्वायर की जाती है, तो ये बैंक उसमें जो है वो काम करेगा। भूमि को बेचने के लिए ये बैंक का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद ये है कि पेट्रोनेट सीएनजी लिमिटेड गैस प्लांट लगेगा, जो पूरे देश का पहला होगा। कहाँ पे लगेगा? ये हरियाणा में लगेगा। क्या बोला मैंने? पेट्रोनेट सीएनजी लिमिटेड गैस प्लांट लगेगा, ये देश का पहला प्लांट होगा, ओके, देश का पहला प्लांट होगा। और ये कहाँ पे लगेगा? ये लगेगा जी आपके हरियाणा में। ये इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जो हेल्प कर रही हैं? ONGC है, बहुत सी कंपनियां हैं, 5-6 कंपनियां हैं, वो IOCL है, और एक BPCL है, ओके, कई हैं, गेल है एक, ठीक है, इस तरीके से कई कंपनियां हैं इसमें जो हेल्प करेंगी। उसके बाद आ जाता है कि जो SC पीपल हैं, जो SC वर्ग के जो व्यक्ति हैं, अगर वो भेड़ बकरी का फार्म खोलते हैं, भेड़ बकरी का फार्म खोलते हैं, उनको कितने प्रतिशत सब्सिडी हरियाणा सरकार देगी? तो ये बात हुई है जी 90% देने की। भेड़ बकरी का फार्म अगर खोलते हैं 80 वर्ग के पीपल व्यक्ति, तो उनको 90% जो है वो छूट दी जाएगी। उसके बाद लास्ट आता है जी हमारा, 3 साइंटिस्ट हैं हमारे, 3 यंग साइंटिस्ट इनको मैं बोलूँगा। इन्होंने क्या किया है? 6 एस्टेरॉयड खोजे हैं। 6 एस्टेरॉयड क्या होते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एस्टेरॉयड होते हैं जी स्मॉल प्लैनेट होते हैं, ये जो सन के चारों तरफ जो है वो घूमते हैं। इन्होंने 3 यंग साइंटिस्ट, ये कहाँ से हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये है जी आपके यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से, 6 एस्टेरॉयड खोजे हैं इन्होंने,
तीन यंग साइंटिस्ट यमुनानगर से हैं, इन्होंने 6 एस्टेरॉयड खोजे हैं। किस प्रोजेक्ट के अंडर में खोजे हैं? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च प्रोजेक्ट 2021। इसके अंडर में इन्होंने 6 एस्टेरॉयड ये खोजे हैं। अच्छा, इनका तीन साइंटिस्ट, इनका नाम क्या क्या है जो यमुनानगर से हैं, याद रखना है। एक का नाम है जी सौरभ, दूसरे का नाम है सचिन और तीसरे का नाम है जी राघव। इनका नाम भी याद रखना है, ये ज़रूर याद रखना है कि ये कहाँ से हैं, यमुनानगर से हैं। 6 एस्टेरॉयड खोजे हैं इन्होंने। ओके, तो ये थे जी हमारे फर्स्ट वीक के करंट अफेयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे ये। मोस्ट प्रोबेबली जो अगर पूछे जाएंगे तो ज़रूर इनमें से जो है वो क्वेश्चन कवर होगा। वैसे तो बहुत से करंट अफेयर हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं वही कवर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा।